हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू के DIY सेक्शन में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है 5 कलर फ्लैशर विदाउट माइक्रो कंट्रोलर प्रोजेक्ट का, जो कि electronicsforyou.com पे पब्लिश हो चुका है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। आप भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं electronicsforyou.com पे जाके इसके इस ब्लॉग को फॉलो करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। यह एक बहुत ही आसान सा सर्किट है जिसे बस दो ICs 555 टाइमर IC और 4017 डीकेड IC के इस्तेमाल से बनाया गया है। इस सर्किट की सहायता से आप अपने घरों के लिए डेकोरेटिव लाइट या फिर दुकानों के लिए शाइनिंग बोर्ड्स इत्यादि बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है एक फ्लैश लाइट बनाना अलग अलग कलर की LED का इस्तेमाल करके। इसे आप अपने मनचाहे पैटर्न में डिजाइन कर सकते हैं। ये सर्किट बहुत ही लो कॉस्ट और बिना किसी माइक्रो कंट्रोलर के इस्तेमाल के बनाया हुआ है। इसमें जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो है 4017 डीकेड काउंटर IC, जिसके 10 आउटपुट होते हैं। उनमें से हमने बस 5 आउटपुट का इस्तेमाल करा है। आप 5 से ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 555 टाइमर IC जो की एक एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम करेगी और डीकेड काउंटर को क्लॉक दे। 20 LED 5 अलग अलग रंगों की, 5 डायोड डिकेट काउंटर के हर एक आउटपुट के साथ लगेंगे, 5 ट्रांजिस्टर LEDs को ड्राइव करने के लिए और एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई हमारे सर्किट को चलाने के लिए। इसके अलावा कुछ रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगाए गए हैं। चलिए इसका डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे ही हमने अपने सर्किट को पावर सप्लाई दिया, आप देख सकते हैं ये सभी LEDs एक पैटर्न में जलने बुझने लगी। यहाँ आप देख सकते हैं पहले ग्रीन, फिर ब्लू, फिर व्हाइट, फिर रेड और फाइनली येलो LED जली है। ये एक प्रोटोटाइप है। आप इस सर्किट को जनरल पर्पस PCB पे बना सकते हैं अपने मनचाहे पैटर्न के साथ। आप LED को ऑन और ऑफ होने के समय को भी बदल सकते हैं R2 की जगह एक वेरिएबल रेजिस्टर का इस्तेमाल करके। क्या आप अपना एक 5 कलर फ्लैशर सर्किट बनाना चाहेंगे तो क्लिक करें इस लिंक पे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस पे जाकर के आप पूरे प्रोजेक्ट को स्टेप वाइज देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसे DIY प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।